मेरे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी। सर, कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी को फिर से एक बार अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। विपक्षी दल इस पे जो है परिवारवाद का आरोप मढ़ रहे हैं, क्या करना? देखिए, भारत देश में कोई इकलौती महिला है या पुरुष जिसने भारत के प्रधानमंत्री पद को ठुकराया है, तो जिसने भारत के प्रधानमंत्री पद को ठुकराया हो वो अगर कार्यकर्ताओं की इच्छा का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतरिम बनने को तैयार हो जाएं, तो हम उनके आभारी। कल जिस तरीके से जब CWC की बैठक चल रही थी उसमें प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी बाहर चले गए, ये कहकर कि वो कंसल्टेशन समिति में नहीं शामिल होंगे ताकि परिवारवाद के आरोप लगे, बाद में फिर सोनिया गांधी जी का अध्यक्ष बन जाना किस तरीके से लेते हैं? उनके अनुपस्थित में जब पार्टी एकमत होकर उनसे अनुरोध कर रही है तो उन्होंने स्वीकार किया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी, जिनका कहना है कि कार्यकर्ताओं की मर्जी थी इसलिए सोनिया गांधी को दोबारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। लखनऊ से राजकुमार के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए।